सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरोहित आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानने वाले हैं राग भूपाली में एक और छोटे ख्याल यानी एक और बंदिश के बारे में। देखिए, राग भूपाली पर मैं ऑलरेडी कुछ ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, जिस पर मैंने कुल मिला के 4 वीडियोज बनाई हैं, जिसमें से पहली वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, दूसरी वीडियो में मैंने इसका स्वर विस्तार बताया है, तीसरी वाली वीडियो में एक मैंने छोटा ख्याल बताया था जिसके बोल थे जाओ तोरे चरण कमल परवारी। उसके बाद मैंने उसी बंदिश में आप अलाप तान किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। तो आइएगा आज हम एक और छोटा ख्याल सीखते हैं। मेरे पास बहुत सारी फरमाइशें आई थी कि मैंने जो भी पुराने राग डाले हैं मैं उसमें कुछ और भी आपको मैटर दूँ, कुछ अलग अलग तालों में भी दूँ, तो मैं उसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आइएगा एक और फेमस बंदिश जो राग भूपाली में है, वो है जा जा जारे जारे पथिकवा। बड़ी खूबसूरत बंदिश है, बेसिक से थोड़ा सा अपर लेवल पर है, तो आपको करने में और इंटरेस्ट आएगा और बड़ा ही मजा आएगा। तो आइएगा आप नजर डालते हैं इसकी कुछ डिटेल्स की ओर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर लिखा है राग भूपाली, उसके बाद छोटा ख्याल, तीन ताल, मध्य लय। देखिए, राग भूपाली के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज बनाई है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां पर जाकर सिंपली उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद छोटा ख्याल क्या होता है, छोटा ख्याल के बारे में भी मैंने राग भूपाली छोटा ख्याल जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी पार्ट वन, मैं उसको नाम दे दूंगा अभी, और इस वीडियो को मैं पार्ट टू दे दूंगा। तो पार्ट वन वाली वीडियो जो मैंने पहले बनाई उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि छोटा ख्याल क्या होता है। उसके बाद है तीन ताल और मध्य लय। देखिए, तीन ताल के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सिंपली वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि तीन ताल क्या होती है, किस तरीके से उसमें गाया जाता है, और मध्य लय के बारे में भी आपको उसमें पता लग जाएगा। तो इससे आगे लिखा है इस बंदिश यानी छोटे ख्याल का स्थाई और उसके बाद उसका अंतरा। तो स्थाई के बोल हैं जा जा जारे जारे पथिकवा। मैं एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ इसके बोल, जा जा जारे जारे पथिकवा, जाए सुनावो मोरा संदेशवा, जाए सुनावो मोरा संदेशवा। अब उसके बाद अंतरे के बोल हैं मन अकुलाए जिया घबराए, मन अकुलाए जिया घबराए, जाए बसे जा तुम पर देसवा। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसी बंदिश का नोटेशन। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इन सभी डिटेल्स को नोट कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं आगे जो भी बात करूं तो आप उसको इजीली समझ पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी डिटेल्स को नोट कर लिया होगा। तो आएगा सबसे पहले गाते हैं इस बंदिश का नोटेशन। नोटेशन सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूं कि किस तरीके से हमको अगर बंदिश के बाद मतलब बंदिश के नोटेशन में सरगम के आगे डैश जितनी बार डैश लगा होता है तो हमको उतनी बार एक्सचेंज करना होता है, तो मैं ऑलरेडी सारी चीजें समझा चुका हूं। तो अभी मैं और ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, सीधा आपको गाना बताता हूं कि किस तरीके से गाया जाएगा। मैं अभी इसको 5:30 से गा रहा हूं, हमारे क्लासिकल के हिसाब से इसको 5:30 बोलते हैं और वेस्टर्न लैंग्वेज के हिसाब से स्केल्स के हिसाब से इसको बोलते हैं बी। तो मगर आप जिस भी स्केल से रियाज करते हैं तो आप उसको अपने स्केल से गा सकते हैं, नोटेशन तो एक ही रहता है। तो आइएगा सबसे पहले हम इसका नोटेशन गाएंगे बिना ताल के, ताकि हम इसके सुरों के बारे में जान पाए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको तीन ताल में किस तरीके से गाया जाए। अब देखिए, तो पहली लाइन है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब शब्दों को एक साथ लिखा होता है यानी कि पेयर बना के लिखा होता है, तो हमको उसको हमेशा ही जो भी लय हमारी डिसाइडेड होती है, जब हम जिस लय में गाने वाले हैं उससे हमको दुगुन की लय में गाना होता है, यानी कि अब इनको आपको थोड़ा फास्ट गाना है, बिल्कुल डबल स्पीड में जो आपने लय डिसाइड करी है। अब देखिए किस तरीके से गपा गरे गपा दपा, ये एक साथ आएगा गपा गर, ऐसा नहीं करना गपा गरे, इस तरीके से नहीं, आपको इसको डबल स्पीड में गाना है गपा गरे गपा दपा गरे सारे। अब देखिए आपको इसको सिर्फ गपा गरे गपा दपा आपको इतना ही डबल स्पीड में गाना है जैसे कि वो मार्क करा हुआ है, उसके बाद आपको सिंगल में ही गाना है। देखिए किस तरीके से गपा गरे गपा दपा गरे सारे, उसके बाद गरे सा 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 धा सा रे ग ग ग प ग प गरे सा, गरे सा 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 धा सा रे ग ग ग प ग प गरे सा। अब इसके देखिए बोल किस तरीके से आएंगे, जा 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 रे जा रे पथे पवा ग प गरे ग प ध प गरे सा रे प गरे ग प गरे सा, इसमें आएगा जा जा
उसके बाद ग रे सा 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 ध सा रे ग ग ग प ग प ग रे सा ज रे सुनाऊ मोरा संदेश बा ज रे सुनाऊ मोरा संदेश बा। इस तरीके से आप गाएंगे स्थाई को। अब देखिए अंतरे का नोटेशन क्या है और उसको किस तरीके से गाएंगे। ग ग प प सा ध प ध इसके बोल किस तरीके से आएंगे। मन अकुलाए जिया घबराए मन अकुलाए जिया घबराए जाए बसे जा तुम परदेसवा जाए बसे देखिए जैसा कि आपने नोटिस करा ही होगा कि जब मैंने इसका नोटेशन गाया था तो मैंने सीधा सीधा गाया था और जब मैंने उसके बोल गाए तो उसमें मैंने कुछ वेरिएशंस ऐड करे थे जिसको हम बोलते हैं मींट खटका मुर्की और गमक। तो देखिए अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैंने इन चारों टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक छोटे ख्याल की रिक्वायरमेंट और क्या क्या होती है, किस किस तरीके से इसको सजाया जाता है। तो आइएगा आप जानते हैं कि इसी बंदिश को यानी इसी छोटे ख्याल को तीन ताल में किस तरीके से गाया जाए। तो जैसा कि आप तीन ताल को सुन पा रहे हैं और आप जानते हैं कि इस बंदिश की जो शुरुआत है वो है नौवीं मात्रा से यानी कि खाली से। तो आइएगा सबसे पहले हम इसका नोटेशन गाएंगे पूरे स्थाई अंतरे का, उसके बाद आपको बोल बताऊंगा किस तरीके से गाने। देखिए किस तरह 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 ग प ग रे ग प ग प ग रे स रे प प ग रे ग प ग रे स ग प ग रे ग प ध प ग रे स रे प प ग रे ग प ग रे स ग रे स स स ध स रे ग ग ग प ग प ग रे स ग रे स स स ध स रे ग ग ग प ग प ग रे स ग प ग रे ग प ध प ग रे स रे प प ग रे ग प ग रे स ग प ग रे ग प ध प ग रे स रे प प ग रे। अंतरा ग ग प प सा ध प ध सा स सा रे ध सा ग ग प प सा ध प ध सा 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 रे ध सा ग ग स रे ध ध स स स ग प ग प ग रे स ज ज ज रे ज रे प ध प ग ज ज ज रे ज रे प ध प ग ज ये सुनाऊ मोरा संदेश व ज ये सुनाऊ मोरा संदेश व मन अकुलाए
फाइंड करने के लिए हम तिहाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 9 से लेकर 16 तक के बोलों को हमको 3 बार रिपीट करना है और तीसरी बार में उसको पूरा गाना है। देखिए किस तरीके से 5 6 7 जा 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 रे जा ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।